हेलो क्लास 12। चलिए आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर फ्लेमिंगो का इंडिगो ये स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर का नाम है लुई फिशर। इनका जन्म 1896 में हुआ था और 1970 में इनकी डेथ हुई है। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। इनका जन्म फिलाडेल्फिया अमेरिका में हुआ था। ही सर्व्ड एज अ वॉलेंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 टू 1920। इन्होंने एक वॉलेंटियर के रूप में, वॉलेंटियर आप समझते हैं ना, जो पैसे नहीं लेते है ना काम करने के, ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने 1918 से लेकर 1920 दो वर्ष तक काम किया। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोड द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। फिशर ने अपना करियर एक जर्नलिस्ट के रूप में स्टार्ट किया था और वो द न्यूयॉर्क टाइम्स और द सैटरडे रिव्यू में लिखते थे और कुछ यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन के लिए भी लिखा करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में वो एक मेम्बर भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक। ये जो आपको चैप्टर पढ़ना है इंडिगो, ये इनकी एक बुक है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, और टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने इनकी किताब द बुक ऑफ महात्मा गांधी को के रिव्यू में लिखा था कि ये सबसे अच्छी किताब है जो गांधी जी के ऊपर लिखी गई है। तो चलिए स्टोरी देखते हैं हम। आपने इंडिगो का जो सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, उसके बारे में हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा, है ना, नील की खेती के ऊपर ये सत्याग्रह हुआ था, उसी से ये रिलेटेड है। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in Central America, India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. जब पहली बार वो गांधी जी से 1942 में मिले थे उनके आश्रम सेवाग्राम, जो कि गुजरात में है, इनको नहीं पता होगा, सेंट्रल इंडिया लिखा है, तो इनका कि वो बताते हैं कि गांधी जी कह रहे थे कि मैं तो आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि ब्रिटिश लोगों को भारत से चले जाना चाहिए, और ये विचार उनके 1917 में आए थे। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ये गांधी जी जो हैं वो दिसंबर 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन यानी मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की, लखनऊ में, वहाँ गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पर करीब 2301 डेलीगेट्स आए थे, और मेनी विजिटर, और बहुत सारे विजिटर्स भी आए थे जो कि उस मीटिंग को देखना था, सुनना था वहाँ पर नेताओं को। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, जब ये मीटिंग हो रही थी उस दिन, उस समय गांधी जी बताते हैं, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड। इस प्रोसीडिंग के दौरान गांधी जी को याद है कि किसान उनके पास आया था, वो बिल्कुल वैसे ही दिखता था जो आम तौर पे भारत में किसान दिखते हैं, बिल्कुल गरीब सा, और इमेसिएटेड कहते हैं जो बिल्कुल ही दुबला पतला, एकदम बिल्कुल कमज़ोर सा दिखे, वैसा दिख रहा था। एंड सेड, और उसने गांधी जी से कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। अब गांधी जी ने चंपारण जैसी जगह का कभी नाम ही नहीं सुना था। आपको पता ही है ना कि गांधी जी तो पहले साउथ अफ्रीका में थे, वो 1915 में भारत आए थे, वैसे भी वो गुजराती थे तो ज़्यादातर उनका जीवन गुजरात में ही गुजरा था,
इसलिए भारत के सभी इलाकों के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी उनको थी नहीं, तो उनको लगा कि उन्होंने पहली बार ऐसा नाम सुना। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल ही हिमालय की तराई में है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के किंगडम के पास में। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, पुराने व्यवस्था के अनुरूप, द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। रिजोल्यूट कहते हैं दृढ़ निश्चयी। He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." Congress session में वो इस शिकायत को करने के लिए आए थे कि जो अन्याय landlord यानी जो जमींदार लोग कर रहे हैं बिहार में, और उसकी शिकायत थी इनकी, यानी जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है बिहार में उसकी शिकायत, उनके अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने के लिए आए थे, और किसी ने उनको कहा कि तुम गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि उनका तो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है, कानपुर जाना है उनको और कुछ भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाना है। शुक्ला अकंपनीड हिम एवरीवेयर। अब शुक्ला जी जो थे वो हर जगह गांधी जी के साथ साथ गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी अपने आश्रम में अहमदाबाद के पास आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम। शुक्ला जी उनके पीछे पीछे आश्रम में आ गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। एक सप्ताह तक वो गांधी जी के लगातार करीब रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। बार बार वो उनसे प्रार्थना करते रहते, एक डेट आप फिक्स कर दो कि आप इस डेट को चंपारण आओगे। इम्प्रेस्ड बाई शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, आई हैव टू बी इन कैलकटा ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। गांधी जी इस व्यक्ति के हठ को देखकर और उसकी कहानी को सुनकर बहुत इम्प्रेस्ड हुए, और उन्होंने कहा कि वो कैलकटा फला फला तारीख को जाएंगे, और तुम वहाँ आओ और मुझसे मिलो और फिर वहाँ मुझे ले चलो जहाँ तुम्हें ले जाना है। मंथ पास्ट, ऐसे कई महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकटा व्हेन गांधी अराइव, और शुक्ला जी तो वहाँ पर बैठे हुए थे कलकत्ता में जहाँ गांधी जी को आना था। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और वो इंतज़ार करते रहे गांधी जी का फ्री हो जाएं। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर दोनों व्यक्ति एक ट्रेन में चढ़े जो कि पटना शहर तक बिहार में आने वाला था। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लायर नेम राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया। और उसके बाद दोनों जो है वो शुक्ला जी जो हैं वो दोनों कोई एक वकील जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था उनके घर ले गए, जो बाद में कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने और भारत के भी राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो अपने शहर से बाहर थे, बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर यॉमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में जो नौकर थे वो शुक्ला जी को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, और उनको पता था कि वो अक्सर उनके मास्टर से मदद के लिए, शेयर क्रॉपर, इंडिगो शेयर क्रॉपर है वो, और मदद के लिए अक्सर उनके पास आया करता है। So they let him stay on the ground with his companion. इसलिए उन दोनों को इस बिना पर घर में ठहरने की इजाज़त दे दी गई, यानी गांधी जी को और शुक्ला जी को। गांधी whom they took to be another peasant, जब उन्होंने उन नौकरों ने गांधी जी को देखा तो उनको लगा कि ये भी कोई शुक्ला जी की तरह कोई किसान ही है। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drop from his bucket pollute the entire source. लेकिन गांधी जी से कहा गया कि वो कुएं से पानी ना खींचें,
क्योंकि अगर एकाध बूंद भी बकेट से निकलकर कुएं में गिर गया तो फिर क्या होगा। उनको इजाज़त नहीं दी गई थी पानी खींचने की, क्योंकि उनको लगता था किसानों को कि उनके गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के नौकरों को ऐसा लगता था कि गांधी जी अगर एक बूंद भी पानी का कुएं में गिरा देंगे तो पूरा कुआं पोल्यूट हो जाएगा। मतलब छुआछूत मानने की प्रथा उस समय बहुत ज़्यादा थी, इसलिए गांधी जी को उन्होंने अछूत समझ लिया था और इसलिए उन नौकरों ने गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की इजाज़त नहीं दी। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, भला उसको कैसे नौकरों को पता चलता कि गांधी जी एक अनटचेबल नहीं है, यानी अछूत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।